अब एक सवाल है, क्या आपने अपनी आंखें दान की हैं? क्या आप अपने बच्चों की आंखें दान कर सकते हैं? हम समझते हैं कि अधिकतर लोगों का उत्तर ना ही होगा, लेकिन अपने बच्चों का नेत्रदान करने वालों को यदि कोई अस्पताल दान देने वाले परिवार को ही भटकाए तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस पूरे मामले को देखकर जो हम रिपोर्ट आपको अभी साझा कर रहे हैं। उनकी अपनी बेटी थी वो, लेकिन परिवार वालों को मौत के बाद आंखें दान करनी थी। दान के लिए अस्पताल में भटकता रहा पूरा परिवार। SNMMCH डॉक्टरों के आगे मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन SNMMCH ने टाला। कहा केमिकल नहीं है उनके पास, केमिकल खुद मंगवाना होगा। परिवार ने फिर दरियादिली दिखाई, रांची से मंगाया गया केमिकल, फिर हुआ नेत्रदान। आंखें अनमोल है, यदि खराब हो जाए तो केवल नेत्रदान से ही मिल सकती है, लेकिन इस अनमोल चीज को देने वालों को आज अस्पतालों में भटकना पड़ रहा है, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं और मिन्नतें करने पड़ रही है। SNMMCH में एक नेत्रदान करने वाले को अस्पताल प्रबंधन ने केवल टाला नहीं बल्कि उसी से खुद केमिकल भी मंगवाए। ये लड़की SNMMCH में भर्ती है। मरासन अवस्था में परिजनों ने आंख दान करने का निर्णय लिया, लेकिन अस्पताल ने एक नहीं सुनी, पहले टाला, फिर कहा यदि केमिकल मंगवाया जाए तभी नेत्रदान हो सकता है। ऐसा इस अस्पताल में कई बार हो चुका है। 31 दिसंबर को हम लोग PMCH में एडमिट करवाए हैं आयुष्मान के थ्रू। आयुष्मान में भी बहुत सारा लफड़ा हो रहा था। अभी बहन के मरणोपरांत नेत्रदान करना था, नेत्रदान करने के लिए केमिकल की व्यवस्था नहीं थी। ये तो अंकित रजगड़िया का सोच है कि अंकित ने वहाँ फ़ोन करके मैडम से केमिकल मंगवाया है। मेरा छोटा भाई रांची में था, वो एम्बुलेंस कर करके यहाँ पर ला कर दिया है। ये केमिकल यहाँ नहीं है, और ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है यहाँ कि लोग नेत्रदान के इच्छुक व्यक्ति कॉर्निसोल की कमी से नेत्रदान नहीं कर पाते हैं। कल भी एक ऐसा मामला हुआ, तो आज सुबह जब ये चीज़ हुआ कि कॉर्निसोल नहीं है तो काफ़ी असहज महसूस किया कि भाई ये कैसी प्रक्रिया, एक इंसान का परिवार मौत होता है परिजन की और वो नेत्रदान करना चाहता है, किसी को जीवन देना चाहता है, पर यहाँ जीवन लेने देने के लिए जो सुविधा साधन होना चाहिए वो अस्पताल में नहीं है। आखिरकार परिजनों ने रांची से केमिकल मंगवाया और नेत्रदान हो सका। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन दलीलें देने से बाज नहीं आता। इस पर भी उनका कहना है कि केमिकल के लिए विभाग को लिखा गया है। आम तौर पर केमिकल रहता है, लेकिन इस बार 31 दिसंबर को दवा आउट ऑफ डेट हो गया था, एक्सपायर हो गई थी, तो विभागाध्यक्ष के बाद के द्वारा हमें बाद में सूचना दी गई थी। दवा दिसंबर में एक्सपायर की, लेकिन 11 जनवरी को और दूसरी बार 4 फरवरी को हमें सूचना दी गई। तो चूंकि ये दवा क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं रहती है, पूरे देश में केवल 1-2 कंपनियां ये दवा बनाती हैं। अधीक्षक साहब, सवाल ये है कि आपने परिजनों से केमिकल क्यों मंगवाया? इसे आप भी मंगवा सकते थे, केमिकल खत्म होने से पहले ही आपने विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? क्या जैसी परिस्थितियां आपके अस्पताल में पैदा हुई वैसे में कभी कोई अपना नेत्रदान करना चाहेगा? आपको इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। धनबाद से न्यूजीलैंड भारत के लिए बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। इतना ही, आगे आप देखते रहिए News11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News11 भारत, सच है तो दिखेगा।